असल गाय सो नेक्स्ट टॉपिक इज एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन एवोल्यूशन के हमारे पास वो कौन कौन से ऐसे एविडेंसेज हैं हमारे पास वो कौन से ऐसे हमारे पास जो है वो सबूत हैं जिनकी बेसिस हम लोग कह रहे हैं कि जो हमारे पास एवोल्यूशन है वो एक्चुअली अकर हुई तो हमारे पास हमारी बुक के अकॉर्डिंगली कुछ ऐसे डिफरेंट मतलब सपोर्टिंग करेक्ट्रिस्टिक्स हैं जो कि हमें बता दें कि एवोल्यूशन वाकई हुई थी फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बायो जियोग्राफी बायो जियोग्राफी

क्या चीज़ बताता है ये भी हम लोग देख लेते हैं फॉसिल रिकॉर्ड हमें बेसिकली बताता है कि फॉसिल्स पुराने जमाने के जो डेड ऑर्गेनिज्म हैं उनके जो रिमेन्स वगैरह बच गए हैं वो रिमेन्स आपको किस तरीके से ये बयान करते हैं कि वाकई भी ऑर्गेनिज्म दे डू एग्जिस्टेड और उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि वो आज किस ज्यादा मॉडिफाइड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है अच्छा यहाँ पे वो बता रहे फॉसिल रिकॉर्ड के अंदर कि Succession of fossil forms is a strong evidence in favor of evolution, it provides a visual record in a complete series showing that the evolution of organism, for instance, evidences from biochemistry, molecular biology and cell biology places prokaryotes as the ancestor of all life, prokaryotes, like archaeobacteria, bacteria, simple, wo jo hydrothermal vents, which present hai, jo ultimately present endosymbiont theory, you to survive, ke liye leke chale existence, ultimate result

आगे आपको वो बताता है कि जो एवोल्यूशन है हॉर्स की सो so हॉर्स जो है वो बेसिकली आपको की प्रोवाइड uh, कर रहा है आपको की सपोर्ट दे रहा है इस पूरे सिनेरियो को समझने के अंदर तो हॉर्स जो है ये भी एवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है कंपैरेटिव एनाटॉमी आपको एनाटॉमी जो है कंपैरेटिव एनाटॉमी ये आपको बताती है कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म दे एक्चुअली डू एग्जिस्टेड एंड दे शेयर सेम कॉमन एंसेस्टर कैसे कंपेरिटिन के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि जनाब हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है इनका बॉडी का फंक्शन जो है वो डिफरेंट हो सकता है लेकिन इनके स्केलेटन की अरेंजमेंट जो है वो तकरीबन तो सेम मिसाल के तौर पर लिम्स लिम्स जो होते हैं इनको हम लोग अगर कभी कंसीडर करना शुरू करें तो लिम्स बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में सेम होते हैं अच्छा इसकी बेस पे ना दो डेफिनेशन है पेपर के हाले से बड़ी इंपॉर्टेंट वो भी याद रखिएगा होमोलॉजी और एनालॉजी और जो होमो होमोलॉजी को साथ हम लोग जिन ऑर्गन्स को मतलब रिलेट कर रहे हैं उन्हें हम लोग नाम देंगे होमोलोगस क्रोमस और होमोलोगस ऑर्गन्स और, और जिनको हम लोग रिलेट करेंगे एनालॉजी के साथ उनको एनोलोगस ऑर्गन हम लोग नाम देंगे अच्छा तो होमोलॉजी इसमें क्या होता है कि जो आपके पास आ, स्केलेटल जो आपके पास ऑर्गन्स हैं उनका जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है दैट इज सेम बट देर एक्टिविटी इज डिफरेंट सेम उनका स्ट्रक्चर है लेकिन उनकी एक्टिविटी क्या है डिफरेंट है जबकि जो एनालोग ऑर्गन्स हैं इनका जो है वो स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन इनका फंक्शनिंग सेम है ठीक है ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है होमोलॉजी और एनालॉजी आपके साथ बुक में एग्जांपल भी आ, ये ब्लू बॉक्स के अंदर गिवन है साथ एक और आपको येलो बॉक्स भी बताता है कि जो फॉसिल्स है आपके पास पाए जाते हैं ये फॉसिल्स आपको जियोलॉजिकल टाइम्स के बारे में टाइम स्केल्स के बारे में बताते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कितने साल पहले मिसाल के तौर पर मैं आपको भावसूख तरीके से कहता हूं कि फिलहाल ऑर्गेनिज्म इतने साल इतने सौ साल इतने हजार साल या इतने लाख साल पहले मौजूद था कैसे हमें उनके फॉसिल्स मिलते हैं जिनकी हम कार्बन डेटिंग या किसी और प्रोसीजर के जरिए हम लोग पता करवाते हैं कि ऑर्गेनिज्म कितने साल पहले इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे

ये आपके अंदर जो है वो पाए जाते हैं जो बताते है कि बताते हैं कि वाकई जो एवोल्यूशन है वो इट डू अकर्ड कंपेरेटिव एम्ब्रियोलॉजी आपके पास एक और है कंपेरिटिव एम्ब्रियोलॉजी ये आपको बताती है एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के बारे में रीड कर लेते हैं क्या क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स Go through similar stages in their embryonic development. For example, all vertebrate embryos go through a stage in which they all have gill pouches on the sides of their throats. they have gills, hote hai. Ek stage bhi aati hai development. Ke कि इसी तरह डेवलपमेंट जो है वो सेम है किस किस की फ्रॉग की स्नेक की बर्ड्स की ह्यूमंस की एंड ऑल अदर वेटी आर मच मोर अपेरेंट फ्रॉम देन अपेरेंट देन डिफरेंसेस एज डेवलपमेंट प्रोग्रेसेस द वेरियस वेट डाइवर्स मोर एंड मोर टेकिंग ऑन द डिस्टिंक्टिव करेक्टर्स यानी कि जैसे जैसे वो बढ़ते जा रहे हैं ना साथ साथ तो उनकी डेवलपमेंट में चेंजेस आते जा रहे हैं लेकिन शुरू वाली जो प्रेमिटिव डेवलपमेंट्स हैं वो सारी की सारी, सारी सेम है ये क्या बताती है आपको कि रोवलूशन हुई है इसी तरह आगे हम लोग चलते हैं कि वो कहते हैं ट्रेशियल वेटीब्रेट्स में Uh, जो चीज़ें कॉमन है वो सच एज दूस्टेशन ट्यूब डेट कनेक्ट दिडल एरिया विद द्रॉड इन ह्यूमेंस ये चीज़ें कॉमन है कुछ इसी तरह कम्पेरटिव एम्ब्रियोलॉजी कैन ऑफन इस्टेब्लिश होमोलॉजी अमंग स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एट दे कॉमन ओरिजन वुड नॉट अपेयर बाय कंपेयरिंग देयर फुली डिप फॉर्म्स ये इट्स कदर ज्यादा शुरू में ये आपस में जो है वो ताल्लुक शो कर रही होती है वो लगता है वाकई भी इनका जो है वो ताल्लुक है डेवलपमेंट के, के साथ इनका वाकई ताल्लुक है किस चीज़ के साथ इनका ताल्लुक है इनका ताल्लुक है आगे एवोल्यूशन uh, के साथ लेकिन जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं आपके पास मॉस एडवांस फॉर्म के अंदर सबसे ज्यादा मॉडिफाइड होकर आते हैं तो आपको लगता है कि नहीं ये हमारा सिर्फ वैम था इनके डिफरेंस है आगे और ब्रांच है दैट इज मोलेक्युलर बायोलॉजी मोलेक्यूलर बायोलॉजी वाइटमिन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स अमायनो एसिड्स

जो हैं फॉर एग्जाम्पल शुगर के कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह के सारे कॉमन शेयर होते हैं तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कि आपको बताते हैं कि अल्टीमेटली ऑर्गेनिजम्स जो ऑर्गेनिजम इनका मॉड ऑफ न्यूट्रिशन तकरीबन सेम सेम लग रहा है कुछ इंजाम डिफरेंट हो सकते हैं बाकी चीज़ें सेम है सो दैट अल्टीमेटली रिजल्ट के आपके पास जो आ, मतलब जो चीज़ें आपके पास मुख्तलि किस्म की ऑर्गेनिज की शक्ल में मौजूद हैं ये सारी की सारी एवोल्यूशनरी जो है सेम एनसेस्टर को जो है वो क्या करती हैं आपस में शेयर करती हैं और इसके साथ साथ आपकी बुक के अकॉर्डिंगली आपको एक एग्जांपल हुई है साइटोक्रोम की जो कि रेस्पिरेटरी प्रोटीन है ये पाई जाती है तमाम एरोबिक स्पीशीज के अंदर ये भी आपको बताती है कि वाकई जो है वो एवोल्यूशन जो है उसको सपोर्ट करने के लिए ये एविडेंस मौजूद है सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेटम क्वेश्चन मिला थैंक यू सो मच